मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मौजूद हैं। तलाल साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। ये फरमाइएगा, आज ये जो छापा मारा गया है, इसका मकसद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी ही है? सिर्फ एक आप ये समझे कि एक ड्रामेबाजी है, एक शोभदाबाजी है, जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि कौम का ध्यान जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, इनकी नलायकियों, इनकी नाहलियों से हटे और वो कौम का ध्यान इधर लगा रहे। कभी किसी एक के घर छापा, कभी किसी दूसरे के घर, कभी किसी एक को गिरफ्तार, फिर कभी दूसरे को। पहले ये बताएं कि इन्हीं केसेस में जिन पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं हमजा साहब पे, वही मियां शहबाज शरीफ पे था, उन केसेस में तो मुंह की खानी पड़ी है इस मैप को। उन केसेस में तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तो सारी कौम ने देखा है कि उसमें कहा है कि ना करप्शन है, ना बदनवानी है, ना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है और ये बिल्कुल सियासी विक्टिमाइज किया गया है। उसमें तो अब उन्हीं केसेस में आप हमजा साहब को पकड़ना चाहते हैं, सिर्फ वजह कि आप आवाज कोई ना उठाए। वजह यह है कि आपकी नलायकियों को कोई ना बताए। वजह यह है कि बुजदार जैसा जाहल आदमी इस पंजाब को चला नहीं सकता और इसका बेड़ा गर्क किया गया है। कभी आप पाकिस्तान में वो एक इमरान खान जैसा नलायक आदमी, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो शबाश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब।